भारत को अगले साल होने वाले आईओसी के सेशन की मेजबानी मिल गई है। ये बैठक अगले साल मई जून में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिसे भारत के ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस सेशन में आईओसी के सदस्य ओलंपिक्स के मेजबान शहरों के चुनाव और ओलंपिक्स के नियमों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और भारत 1983 में नई दिल्ली में आयोजित सेशन के करीब 40 साल बाद आईओसी के सेशन की मेजबानी करेगा, जिसकी मेजबानी को लेकर हुई वोटिंग में मुंबई को 82 में 75 वोट मिले। भारी बहुमत से मेजबानी का अधिकार जीतने के बाद आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक पल बताया। The Olympic movement is coming back to India after 40 years. With gratitude and excitement, we look forward to hosting the 2023 IOC session in Mumbai. I'm sure that this session will be the beginning of a new chapter of sporting excellence for India. उन्होंने भारत के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करते हुए आईओसी की बैठक भारत में करवाने के लिए दमदार पैरवी की, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट के जरिए उनका और पूरी टीम का आभार जताया। सौगात की एक बात ये कि अगस्त 2019 में आईओसी की टीम मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर को देखने आई थी और इससे काफी प्रभावित भी हुई थी। अब यहीं पर अगले साल आईओसी का 139वां सेशन होगा, जिसमें 2030 के विंटर ओलंपिक्स के लिए मेजबान देश और 2028 के ओलंपिक्स खेलों के शेड्यूल पर चर्चा हो सकती है।